नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सिस्को अध्यक्ष ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लें अगले अमेरिकी राष्ट्रपति। विनिर्माण और रोजगार बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का हवाला देते हुए सिस्को के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कहा कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए चैम्बर्स ने कहा कि मौजूदा रुझानों से लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगले अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी चाहे कोई भी हो, अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने और रोजगार सृजन की योजना का खाका प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि भारत में मोदी कर रहे हैं। चैम्बर्स ने ब्लूमबर्ग ब्रेकअवे सम्मेलन में यह बात कही। यूपी पुलिस की करतूत, फरियादी से थाने में कराई जूता पॉलिश। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर रहने वाली उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर पुलिस का एक कारनामा इन दोनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया में चर्चित हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति को चरथावल थाने में पुलिस कर्मियों के जूते पॉलिश करते हुए दिखाया गया है। सित्तू नामक यह मोची थाने में अपना मोबाइल गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। पुलिस कर्मियों ने उसके पेशे का जमकर फायदा उठाया और लगे हाथ कुछ सिपाहियों ने एक के बाद एक अपने जूते पॉलिश करा लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि पीड़ित से इस सिलसिले में बात की गई है। थाने में फरियादी से जूते पॉलिश कराना गलत है। यूपी में नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, शव पेड़ से लटकाया। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के नानपारा इलाके में 15 साल की एक छात्रा से तीन युवकों ने उसका अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा 3 आरोपियों में से अब तक 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि शव को यह दर्शाने के लिए पेड़ पर लटका दिया गया कि उसने आत्महत्या की है। जंतर मंतर पर अफ्रीकी छात्रों का प्रदर्शन। राजधानी में अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर पिछले दिनों हुए हमलों के खिलाफ अफ्रीकी छात्रों ने सोमवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में नारे लिखी तख्तियां थामे हुए थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी भाषा में गीत गाकर और एक दूसरे का हाथ थाम कर नृत्य करते हुए विरोध प्रकट किया। आईएस के हमले के कारण 6000 लोगों का पलायन। उत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले से लगभग 6000 लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। यह जानकारी रविवार को सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी। ऑब्जर्वेटरी के अनुसार सबसे अधिक संख्या में लोगों का पलायन अलेप्पो प्रांत के शेख ईशा, मरे तथा अन्य शहरों से हुआ है। इन क्षेत्रों पर हमला इस्लामिक स्टेट ने किया। ये सभी क्षेत्र अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के नियंत्रण में है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।